सोचा करो भी ये सवारी आ गई इन्हू टंकी है या भाई ये ऐसे ऐसे कर रहे हैं इन्हू टंकी है, ये अपना बस नहीं होता इसमें किसी भी इंसान का नहीं होता। हर एक यहाँ पे मैं कह रही हूँ, मैं हर बार इसलिए बोलती हूँ कि वेल एजुकेटेड बैठे सच को ही है, कोई जॉब वाले है, कोई अच्छी अच्छी क्वालिफिकेशन है आप सबकी, कोई हम मूर्ख थोड़ी है। चाहे आपने देखा मोदी जी को देखा कितने भगवती की पूजा करते हैं ना, कितनी करते हैं, और दुनिया दुश्मन है, कोई बाल नहीं भिंगा कर सकता भगवती के भगत का, बाल नहीं भिंगा कर सकता। मुसीबतें आती है, देखो जैसे उनके कार्टून शो बना देते हैं, जैसे जैसे उनके बना देते हैं, हमारे ऐसे बनाए, हम तो रोने लग जाए, हमारे कुछ एक कमेंट कर देता है, कोई तब सिर फटने लग जाता है। कितनी विल पावर होती है इनकी, वो भगवती देती है उनको। जब आपको सोशल मीडिया में जाना तो लोगों का अच्छा भी सुनना ना और गंद भी सुनना पड़ेगा, उसके लिए दिल पक्के करने होते हैं। बाकी इस चीज़ को आप लोग कभी नहीं सोचेंगे भाई ये बीमारी हम डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर के पास अगर किसी को ये सब लगता है ना तो इस चीज़ में भी आप सबसे पहले दिखो। यहाँ माइग्रेन की कोई है, थायराइड की कोई है, ब्रेन हेमरेज की कोई है, किसका एक काम है इसके हस्बैंड की ब्रेन हेमरेज की जो पीछे कह रही थी जो मेरे याददाश्त भूल गए, ठीक है। और यहाँ महारानी ने ब्रेन हेमरेज तक भी ठीक करी है, बाकी सिस्ट विस्ट तो थायराइड वगैरह ये सब तो मैं कह रही भाई आता ही लड़कियों के ठीक करे, सिस्ट होगी और स्टोन्स हो गए, उसकी पेन दोबारा दोबारा हुई नहीं, यूट्रस में फाइब्रॉइड हो गए, अब ये किडनी का प्रॉब्लम थी ये होगी, और जो छोटी मोटी दर्द है गोड्डे का भाई पता नहीं कितनों के ठीक हो गए, गोड्डे तो नहर भी बन गए यार, लोग बैठ नहीं सकते थे नीचे, और ना आपके हस्बैंड बैठे देखो चले गए ना, उनको नींद आ रही थी, ऐसे ऐसे होता है। मतलब बस कह देते हैं कि भाग्य ना आप लोगों को नहीं वो करता, चलो उनकी मजबूरी होगी, लेकिन बड़े किस्मत वाले 4 बजे तक का भुगतान करते हैं, बड़े किस्मत वाले। और हम पूरी रात गाएंगे ना, एक सेकंड के लिए अमृत बरसेगा, एक सेकंड के लिए, इतना समय नहीं होता प्रभु के पास की मिनट मिनट क्या है, कहीं होता गद्दी तो आते हैं, एक सेकंड को अमृत बरसेगा, वो सेकंड हमको कैच करना है 4 बजे तक के लिए। किस किस की झोली में पड़ता है 4 बजे तक, वो 10 और 5 बंदे रह जाते हैं और इतनी नींद आती है। अभी किरण आंटी ने कथा लगनी सुनाने, सबको नींद आ रही, मेरे को भी आ जा रही, तो अपनी आंखों को ऐ खींच खींच के रखो उस अमृत को जिसने ले लिया ना। मैं तो सबको कहती हूँ जो भी जागरण किसी के रिश्तेदार रख ले, पड़ोसी रख ले, अगर जाओ तो फॉर्मेलिटी के लिए ना जाओ, वहाँ भात चावल खाने के लिए भाई ना जाओ, रोटी तुम घर में नहीं खाते, खा खो के अच्छा माता जी सवेरे बच्चों का पेपर है, अच्छा माता जी जे बच्चे इंटरव्यू लगी थी किसका होना पेपर, फिर नहीं होना पेपर, जे एक रात बैठ जाएगी अपने बच्चे के लिए बैठ जाएगी, बच्चे को जान दे पेपर कर लेगा, बच्चा कर लेगा पेपर, तुम तो बैठ जा, तेरा तो नहीं पेपर है, तेरा तो नहीं पेपर है। भगवान की इस भक्ति को लोग बड़ी लाइटली लेते हैं, हमको आसी पड़ोसी आए गली वाले क्या कर रहे होंगे भाई, ये तो पागल है या ये पागल हो गए हैं, हमको यही कहेंगे, ठीक है। लेकिन ये दीवान की हद तक अगर आप भक्ति करेंगे तो कलयुग में आप जीवन की नैया पार लगा सकते हैं, नहीं मेडिसिन चालू। बहुत से लोग मैंने 70-80 तक उम्र के देखे हुए हैं जो एक भी मेडिसिन नहीं खाते हैं और बढ़िया चलते हैं, वॉक जॉगिंग वॉकिंग खाना डाइट अपनी ठीक रखते हैं, खा भी हम तब सकेंगे अगर ये गंध हमारे शरीर में नहीं जाए, और ये सबके जाता है, तुम्हारे नहीं हमारे भी जाता है। मैं अगर हर रोज कीर्तन नहीं करूंगी, हर रोज अपनी बॉडी की क्लीनिंग नहीं करूंगी, 2-3 दिन मैं भक्ति नहीं करूंगी तो मैं उठ नहीं सकती, डंडा मेरे हाथ में आ जाएगा इस जवानी में, या बीवी इतनी उम्र रोज करनी पड़ती है सुबह शाम, चलो आप लोगों ने तो इतनी नहीं करनी, हमको ज्यादा करनी पड़ती है क्योंकि हमने आप लोगों का भला करना, पर सुबह शाम की पूजा सब करो, भजन गाने कोशिश करो, कुछ नहीं जाता भाई, ब्रश नहीं करते तुम हर रोज, और काम नहीं करते तुम हर रोज, और नाश्ते को ठीक टाइम पे 9 बजे नहीं कि पेट में सेक लगता तुमको, पूजा के लिए नहीं सेक लगता, मेरे को लगता है भाई, मेरे को तो बड़ी तलब होती है संध्या होगी भाई किसी की घंटी शंख सुनकर हाय मैं लेट होगी, और कहीं भी वो बड़ी बेचैनी लगती है, हम गाड़ी में भी होते बैठे तब भी जाप शुरू कर लेते हैं अपना, ठीक है। जब हर चीज की तलब लगती है, खाने की लगती है, पानी पीने की लगती है, तो भगवान भजन की भूख क्यों नहीं लगती, जिसको भगवान भजन की भूख लगी ना उसके संकट अपने आप खत्म होने लग जाते हैं, भगवान स्वयं कभी नहीं संकट काटने आएंगे आपका, मैं आपको बताती हूँ, वो अपने साधक के पास आपको भेजेंगे, आप जो यहाँ बैठे हुए हैं सब भगवान के प्रेमी, भगवान के लाडले बच्चों में से आप, जयकारा, क्योंकि भगवान की मर्जी के बिना ना भगवान के कीर्तन
चक्कर में आया जाता है, इतना कष्ट लगता है, इतनी नींद आती है और दिल नहीं करता, घर से 50 चीजें रोकती है आपको जाने के लिए, और चल जाना क्या जाना क्या जाना क्या जाना, तो नहीं जाते हैं। और जिनको बुलावे पाती चिट्ठी माँ आप खुद पाती है, वो भी था यार भजन जो निकालना चिट्ठी सारी आनी पड़ी, आने पड़ी कि जब हाजरी दी है तो फिर वापस क्यों भेजे, ले जा आकर के, तब सुशील तब दी है, ऐसे नहीं बुलाना था। तो यही माता रानी की ज्योत के पास, ज्योत इतनी दूर से लेकर के आए, 9 दिन इसकी राखी और यही सोना, अब जा करके 9 दिन बाद सोएंगे, तपस्या से सब मिलता है। हमको ये सुख है कि अगर हमको संकट आता है हम बुलाते हैं भगवती माँ, कहते माँ दर्द हो रही है, देख तो अच्छा बेटे अच्छा ठीक हो जाती है 5 मिनट बाद, ये सुख है। बाकी धन दौलत की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, महारानी की गद्दी लगा करके ये ना सोचे कि सूट मिलेंगे, हाय क्या मिलेगा, हाय क्या मिलेगा, अरे राजरानी है ये, महारानी आदि शक्ति भवानी जगत जननी है, सारे संसार को चलाती है, ये आपके अन्न धन के भंडार ऐसे भरेगी ना, चूहे भी खा जाएंगे और आदमी भी खा जाएंगे, इतनी इतनी जगह हो जाएगी, ऐसी शक्ति है ये, इसके भंडार नहीं खाली होते, इसकी सेवा दिल से करो, श्रद्धा से करो और भाव से करो, तो आपको कोई कमी नहीं आएगी। और हर बीमारी ये जो होती है ना, किसी को पीठ दर्द हो रही थी, किसी को इचिंग हो रही थी, किसी कमर, तो ये तो बेटा सारी चीजें तंग हो रही थी, उठ जाए नहीं तो अभी बच्चा गाने लग गया है, चलो अच्छी गाज है सुनना भी चाहिए, लेकिन अगर हम इतना ज्यादा गाए तो ना तो आग बरसने लगी, हमारे पृथ्वी दरबार की शक्तियाँ हाजिरी देती है जब मैं गाती हूँ। देखो हमारे पास राग तो नहीं है, अनुराग जरूर है, हृदय से हम गाते हैं, अनुराग का मतलब प्रेम होता है, राग होते हैं सिंगर, हम सिंगर नहीं है, हम सिंगर नहीं है, हम प्रेमी है, अनुरागी है, हृदय से अपना प्राण निकाल करके रख देते हैं भगवती के चरणों में, सिंगर नहीं है, हम कह सकते हैं कि भाई सिंगर नहीं है, हम नहीं है क्वालिटी हमारे में वो, लेकिन हम जैसा अनुराग भी नहीं है किसी के पास, ये मैं दावे से कह देती हूँ, सूरदास के पास हो सकता दूसरी मैं होंगी भाई, मीरा भाई होगी, अनुराग होना सिंगर के पास भी चाहिए, जब भी गाए आप अल्फाज हृदय से गाने चाहिए, तो ये सब चीजें हैं। और ये सब चीजें हम इसलिए नहीं मैं माइक किसी को देती, जब भाई इसलिए मैं कहती हूँ पहले गा दो भाई, पहले गा दो, मैं चली जाऊँ, जब मैं बैठूंगी तो मैंने तो प्रभु के लिए गाना है, मैंने कई बार कहता है ये आप खड़े होके सिंगिंग करो, पर वो मेरे तो धक्के आ जाएंगे भाई, मैं तो सारे नहीं सौंप सकती, मेरे तो बैठे बैठे सिर्फ टहलते हैं, वो सिंगिंग और करते हैं, हम सिंगर नहीं है, मैं तो हमेशा ऐसे गाऊंगी, पब्लिक से मुझको क्या लेना, पब्लिक मुझको सुन रही है, मैं उसको सुना रही हूँ, वो आकर के जब आती है तो मैं ये कहती माँ वो देखो उसके सिर पर वो नजराना, देख मां ले जा ले जा ले जा, तुम क्या सोच रहे, आंखें बंद करके मैं बातें नहीं कर रही होती, सिंगिंग भी कर रही है, ध्यान वहाँ भी है, ध्यान तुम्हारे सिर पर भी है, पीठ पर भी है, एक एक को पीछे को देखती हूँ दरबार में, तब तुम ठीक होते हैं, बाकी कोई जादू की छड़ी नहीं है, ठीक है। तो ऐसे करें, अब ये आ गए हैं, अब हम लगातार कंटिन्यू अपने भजन करते हैं, भगवती को बुलाते हैं भाई, अब अमृत लेना शुरू हो गया है और करिए, ठीक है।